बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जहाँ भी रहे खुश रहिए। मैं आज एक नया वीडियो लेके हैं। ये वीडियो जो आपको सामने खाली बॉक्स नज़र आ रहे हैं, मैं इनका आज कोई ना कोई DIY बना रही हूँ। मेरी सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा एक स्टोर है, यह बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। चंद सामान है इसी के अंदर, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाऊँगी आज। जो सामान है इसको मैंने खाली की है। मैं ये नाइफ की मदद से मैं कागज़ को कट कर रही हूँ। ये काम में कागज़ करना होता है, ये नाइफ ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको आसानी होगी, दूसरे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कट करने में। अब ये सख्त हो गई है, काफ़ी सख्त होगा। अब इसके ऊपर आप कोई चीज़ रख सकती हैं, सही मजबूत बन गया। एक टूटा हुआ चेयर था, मैंने एक साइड पे इधर लगाया, इधर वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू लगा के इधर मैंने स्टिक किए, दूसरी साइड मैंने इधर स्टिक किए ताकि बिल्कुल ये स्टिक हो जाए। बस ये है इस्त्री का जो स्टैंड है, वो जो आपको जो सामने ऊपर जो फटा नज़र आया, अब मैं इसी के हिसाब से ये स्टैंड कट करके उसके ऊपर शेल्फ बनाऊँगी। मैंने इधर मार्क लगाया, अब मैं छोटा मेरे पास आ रही है, इसकी मदद से इसको मैं कट करूँगी। ये इस्त्री स्टैंड है, कट कर लिया। अभी इस तरह का बन गई। हमने मैंने जो आपके सामने जो कट किया था उस बॉक्स के अंदर मैं इस तरह कलरफुल पेपर डालूँ ताकि थोड़ा सा हमारे लुक में थोड़ा सा अच्छा नज़र आए लुक।
पास एक टूटा वाला शेयर था। इस जो टूटे हुए शेयर की जो आगे पीछे वाला साइड को मैंने इस तरह का स्टिक किए हैं आगे पीछे और स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ। फिर इसके ऊपर मैंने एक फट्टा डाला है, वो फट्टा वो इस्त्री का जो फेंकने वाला इस्त्री स्टैंड का वो फट्टा मैंने ऊपर रखा। वो दो जो ये दो तीन बॉक्स मेरे पास फालतू पड़ा हुआ था उन्हीं के ऊपर मैंने इस तरह का ये पेपर लगा के चिपका के और इस तरह के बनाई है। एंड दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।